तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगोण नोएडा भारत से, और ये गाड़ी है स्कोडा सुपर 2009 का मॉडल है। डीएसजी गियर ट्रांसमिशन है, मतलब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। और गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है कि गाड़ी झारखंड से आई है, क्या होके लोड होके आई है, जो कहते हैं ना कोरियर द्वारा, तो कोरियर से आई है झारखंड से। पहला स्टेप कार स्कैनिंग करेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या क्या फॉल्ट है, और दूसरा इंजन के अंदर भी फॉल्ट है इसके, तो वो भी हम देखेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक, बाद में मैकेनिकल। पूरी वायरिंग चेक करी है हमने, अभी चूहे इसमें बहुत बुरी तरीके से लग रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं ना चूहे का। और हमने पूरी खोली है तो भाई जो चौंकाने वाले रिजल्ट निकले हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं ना, ये चूहे ने कैसी नाश लगाई, अंदर घुसा रखा था, पता नहीं कहाँ कहाँ मिला है जी, ये कहाँ मिला है? अंदर मिला सर जी, अंदर मिला है। चलो तो ये पूरा चूहों ने ऐसी वाट लगा रखी है वायरिंग की, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बाकी मैं मल्टीमीटर से अभी चेक किया, मुझे कैन सिस्टम में प्रॉब्लम लगा, जो कैन वायर सिस्टम है ना इसमें, ये प्रॉब्लम लगा। अब इसको सर्च कर रहे हैं कि क्यों है, शॉर्टिंग है कहीं ना कहीं से कैन सिस्टम में, कैन लो और कैन हाई की शॉर्टिंग है। तो हम इस शॉर्टिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं और देखते हैं कि कहाँ से शॉर्टिंग है। अभी कंसोल पंसोल ये सारा खोल खाल के बखेरते हैं, टोटल देखते हैं। पहले हम ECM के कैन लो कैन हाई को चेक कर रहे हैं। ABS मॉड्यूल पे डाउट है हमें, तो उसका कपलर हमने बाहर निकाल दिए ABS मॉड्यूल। इसके हेडलाइट में भी प्रॉब्लम है, इधर का नहीं जल रहा है, इधर का जल रहा है, और ये बंद ही नहीं हो रहा है तब से, आधे घंटे से ज़्यादा हो गया, जली रहा है। एक बार जलाया फिर बंद ही नहीं हुआ। तो अब हम कैन सिस्टम को देख रहे हैं, बाईपास करके वायर को, कैन सिस्टम की लाइन को पूरी बाईपास कर रखी है, और अंदर पूरा कंप्यूटर से एक एक चीज़ चेक कर रहे हैं कि क्या कहानी है इसकी। अभी हमने ये हटाई है ऊपर का काउल टॉप की जाली, और यहाँ पे चूहों का देख सकते हैं कितना ज़्यादा आतंक दिख रहा है ना। यहाँ वायरिंग भी कटी हुई दिख रही है मेरे को, हाथ डाल के ये देखो, ये देख रहे हो ना वायरिंग, ये वायरिंग कटी हुई है, और चूहों की देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रियाकलाप किए हैं चूहे ने, और पता नहीं कहाँ कहाँ की वायरिंग काटी है, कुछ पता नहीं है। और वायरिंग में बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है, हम वायरिंग को ही पहले टेस्ट कर रहे हैं अच्छे तरीके से। ठीक है जी, खोलते हैं अब इस वायरिंग को। भाई अभी वायर को निकाली है इधर से, और एक कैन वायर है जो कटी पड़ी है, ऐसे कटी पड़ी थी, तो ये दोनों आपस में इसके नीचे अवशेष पड़े ना, देखो ना वो नीचे, कोई बात नहीं अभी देखेंगे। तो बीच वाला मटेरियल इतना दूर का कहाँ गया? नीचे पड़े ना सर जी, वो पड़े नीचे। अच्छा पड़े नीचे पड़े। ओ ये एक मिनट, हाँ वो रहा, क्या बात है यार, मतलब हाँ वो रहा दिख गया, दिख गया वो रहा। तो भाई पूरी वायर को खुलवा रहे हैं अच्छे से, और ज़रूरी है तरीके से काम होगा। हमारा मेन मकसद होता है फॉल्ट पकड़ना, और हमारे हाथ जब फॉल्ट लग जाते हैं ना, तो फिर हमारा दिल जो है ना बाग बाग हो जाता है। लेकिन जब तक फॉल्ट नहीं पकड़ते हैं ना, तब तक आग लगी रहती है दिल में, कहाँ मिलेगा फॉल्ट, कहाँ मिलेगा फॉल्ट, फॉल्ट किधर है, गाड़ी में क्यों धोखा खा रहे हैं लोग बाग, क्यों गाड़ी सेट ना हो रही, ये कारण है। और धुआंधार अंदर से भी बखेर रखी है, देख सकते हैं पूरी वायरिंग बाहर से बखेर रखी है, अंदर भी दिखाता हूँ, अंदर से भी पूरी बखेर रखी है सारा एक एक चीज़, इधर भी वायरिंग सायरिंग सारा देख रहे हैं ना पूरा, वो देखो वहाँ से। भाई एक कैन वायर का जो है सिस्टम हमने तार जोड़ दिए, ये देखो चूहे के पूंछ निकली है, पता नहीं कहाँ से टूट के गिरी है, देखना इसमें चूहा मरा तो नहीं पड़ा यार, हैं इसके अंदर से गिरी है ना, तो ये चूहा कहीं गड़बड़ किया हुआ है। अब हमने कैन वायर का दूसरा ECM ABS लगा दिया, देख सकते हैं वो ABS वो लगा हुआ है, अभी भी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, और गाड़ी जो स्टार्ट नहीं हो रही है वो कंट्रोल यूनिट ख़राब है। ये है कंट्रोल यूनिट इसका, ये डेड है, इसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि कभी स्टार्ट हो रही है कभी नहीं हो रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, तो ये गड़बड़ी है। यहाँ तक कि पूरी सप्लाई चेक कर ले, बिल्कुल 00 आ रहा है, लेकिन यहाँ मोटर तक सप्लाई नहीं पहुँच रही है, जिसकी वजह से फ्यूल नहीं चल रहा है। तो इससे पहले बदल के देखना होगा हर हाल में ज़रूर, क्योंकि ये गड़बड़ ही है, और कई सारे काम है, गाड़ी तबीयत से रुला रही है हालाँकि, क्योंकि चूहों ने ऐसा धमाल मचाया ना, पूरी गाड़ी मतलब हिला रखी है। तब मैं इसको बदल रहा हूँ, पहले तो मंगवाता हूँ आज जाके। भाई
तार जोड़ते जोड़ते जीवन झंड हो गई है, कभी एक्चुएटर बदल रहे हैं, कभी कुछ बदल रहे हैं, और हम चेक करते करते बिल्कुल देख रहे हैं ना नया नया कपलर हर चीज। भाई साहब खोली है ना, दिमाग घूम गया देख के, क्योंकि चूहे तो बहुत रेज के लग रहे हैं, लेकिन ये देखना क्या कांड हुआ पड़ा यहाँ। भाई साहब देख के मैं घूम गया यार, ऐसे कैसे हो सकता है यार, इतनी बुरी तरीके से कांड हुई पड़ी है। बताओ यार कितना गजब का ये वायर कट किया हुआ है, देख रहे हो ना, एक एक वायर को बुरी तरीके से अलग कर रखी है। कहाँ से गाड़ियाँ स्टार्ट होंगी यार, मैं एक एक चीज़ चेक कर रहा हूँ भाई, ये पूरी बखेर रखी है इधर से, और इसीलिए तो फेल हो रहा है मामला। ये देखो पूरा बखेर रखा, अब एक एक तार की ज्वाइंडिंग करूँगा मैं, देख रहे ना सारे तार ही आधे से ज़्यादा अलग कर दिया है, इतना बुरा कंडीशन है। मैं इसको जोड़ता हूँ पहले। उस दिन तो हमने उधर से खोला था, ये तो वहाँ कटा हुआ तार निकला, सारे वो तार जोड़ा, डिक्की आज कर रहे हैं, डिक्की का पूरा खोला, अभी इधर से खोलते खोलते ऐसे आ रहे हैं मैं। अब देखो जरा कहानियाँ समझना जरा, ये देखो मैं ये चूहों ने आतंक मचा रखी है, खैर कोई बात नहीं। अब यहाँ देखना तार कटा हुआ कितना मिलेगा, देख रहे नहीं भाई साहब, गाड़ियाँ ऐसे कैसे बन पाएगी यार। ये देखो ना, वाह जी वाह, देख रहे हो नहीं ये कितने तार काटे हैं चूहे ने। एक मिस्त्री क्या करेगा भाई साहब, वो परेशान नहीं होगा तो क्या करेगा। ओह ये देखो, आप खुद देखो, कोई वो नहीं है, झूठ झटाई नहीं है, कितनी बुरी तरीके से इस गाड़ी में वाट लगी पड़ी है, देख रहे हो। हम तो करते करते थक लिए भाई साहब इस गाड़ी को, कह रहे हैं कि गाड़ियाँ धोखा क्यों दे रही हैं भाई, इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ मैं। ये देख रहे हो ना तार, आय है कैन वायर कनेक्शन नहीं हो रहा, कभी ABS बदल रहा हूँ, कभी एक्चुएटर बदल रहा हूँ इसका टंकी का। भाई साहब वायरिंगों में इतना बुरा हाल कर रखा है इसकी, कोई भी मिस्त्री घूम जाएगा भाई साहब। देखो एक एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ मैं, बहुत टाइम लग रहा है, मैं मेरे को खुद पता नहीं है कितने दिन हो गए इसको काम करते करते, जहाँ हाथ लगा रहा हूँ वहीं इसका नाश किया हुआ है। इतनी बुरी तरीके से भाई साहब इस गाड़ी के साथ में काम हुआ है, देखो देख रहे हो ना। अब एक मिस्त्री क्या करेगा भाई, आप बताओ ना भाई साहब, इसका रिपेयरिंग को बहुत कम, गाड़ी से ज़्यादा दाम तो रिपेयरिंग का ले लेगा भाई कोई भी, इतना बुरा हाल है। पर फिर भी मैं हल्के में कर रहा हूँ, सस्ते में ही, चलो इसे मैं फाइनल करता हूँ मैं। पर देख के यार कितना अजीब लग रहा है यार, कितना जगह फॉल्ट है यार, टेप हटाई है और अब जाके पता पड़ रही है भाई साहब तबीयत से बैठ के काटा है, अब इसे हम रिपेयर करते हैं। वायरिंग भाई अलग से लेके आया मैंने किसी और गाड़ी का, उसमें से काट काट के ऐसे निकाल रहे हैं और फिर इसे जोड़ रहे हैं टाइम वायरिंग को। ये तो राइट साइड की रिपेयरिंग का है कि रिपेयरिंग राइट साइड का ऐसे किया था, अभी लेफ्ट साइड का रिपेयरिंग देखो ऐसे चल रही है। देखो था, अरे गाड़ी बहुत गजब हो गई, गाड़ी टोटल बढ़िया हो गई, बहुत टाइम लग गया लेकिन गाड़ी में, लेकिन गाड़ी मजा काट दिया। फाइनल आज डिलीवरी है भाई, करो अब बंद, अब रहने दो रहने दो, अभी उन्होंने बैटरी डाउन चार्ज करके लगाई है, ठीक है जी। ये देखो जी, ठीक है ये हटा लो फ्यूज उज, अरे बहुत काम हुआ है वायरिंगों में, बहुत वायरिंग तो बहुत बुरी तरीके से अंदर खराब थी, इतना था अंदर में, बहुत ज़्यादा मैं वीडियो भेज दूंगा वायरिंगों का, देख लेना बहुत ज़्यादा तगड़ा वायरिंग खराब था। देखो एसी वैसी चल रहा है क्या, देख लो स्टेयरिंग तो बढ़िया हो गया, स्टेयरिंग देखना, हाँ स्टेयरिंग तो मस्त हो गया, स्टेयरिंग बहुत हार्ड था, हाँ ठीक है जी। एक ग्लो बॉक्स में देखो कुछ है, ग्लो बॉक्स अरे इसमें देखो किधर से खुलेगा, हाँ देखो ये पेपर ऊपर जो गाड़ी वाले भैया सर की है वही सारे पेपर हैं, और देख लो क्या का है इसमें, ये रहा स्कोडा का है इनका, वाइपर ऊपर चल गया, पानी अब आएगा, मारो मारो मारो, आ तो रहा है उधर से, हाँ
पानी कम है, थोड़ा और पानी। अरे पानी डालो जरा, देखना पेट्रोल कितना, पेट्रोल कितना है देखना। विंडो चढ़ रहा है ना? हाँ ठीक है, ये देखो सारे विंडो। अब वायरिंग बहुत बुरी तरीके से कट रखे थे ना, वायरिंगों का काम जा। पानी डाल दो शीशे पे, शीशे पे पानी डालो जरा। हाँ ये चलो, वो भी हो रहा, काम कर रहा, चलो बढ़िया हो गया। ठीक है चारों विंडो। और कुछ एसी वैसी काम किया? हाँ एसी काम तो कर गया। ठीक है ऑक्स ऑक्स ले, स्टूडियो चल रहा है अभी बता देते हैं। देखो स्टूडियो चल रहा है, ठीक है। और देखो जरा, चलाओ जरा वाइपर, ठीक है। यहाँ पे डाल दो। हाँ बंद करके जरा स्टार्ट करो, ठीक है स्टार्ट करो। ठीक है ठीक, अब जल्दी से लेके चलो पेट्रोल पंप पे, कहीं पेट्रोल खत्म। हम तो डालते जा रहे, थक गए, इतना पेट्रोल डाले हैं इसमें, क्योंकि अंदर बाहर करना, चलाना जरूरी है ना गाड़ी को।